खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर जनपद पंचायत में हाथ से बनी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के उन्नति महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाई गई राखियां, दरअसल बाजार में राखी की मांग को देखते हुए समूह की महिलाएं राखियां बनाने में जुटी हैं। वहीं कोरियाई कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी जिलेवासी इन महिलाओं से राखी खरीदें। कार्य में संलग्न किया गया है और वो स्थानीय चीज़ों को यूज करके राखी बना रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये हमारी दीदियाँ, जिनको कि हम लोग हर तरीके से लाइवलीहुड की किसी गतिविधि से जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जुड़ भी गई हैं, लेकिन इसमें जब तक हम सब मिलकर बूस्टअप नहीं करेंगे, सब लोग इनसे खरीदेंगे नहीं, इन्हें आय का कोई एक जरिया नहीं मिलेगा, तो शायद जितना भी हमारा प्रयास है वो पीछे रह जाएगा। तो ज़िला प्रशासन यही उम्मीद करता है कि जो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। हम बड़ी बड़ी कंपनी का और अमेजन और फ्लिपकार्ट इन सब चीज़ से हम ऑर्डर करके और 2 रुपए की राखी को 20 रुपए में खरीदते हैं या 10 रुपए की राखी को हम 50 रुपए में खरीदते हैं, उससे लाख गुना बेहतर होगा कि हम अपनी दीदियों को प्रोत्साहित करें, अपने समूह को प्रोत्साहित करें, इनसे जो निर्मित राखियां हैं उनको हम ज़रूर खरीदें और इसमें जन जन में जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए। जो हमारी 12 दीदियों ने तैयार किया है, वो लगभग 9,000 राखियाँ वो तैयार कर चुकी हैं और इस तरह से पूरे प्रदेश भर में बहुत सारी दीदियाँ लगी और हमारे ज़िले में भी बहुत सारी दीदियाँ ऐसा कार्य कर रही हैं। किंतु राखी के उपलक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा पहल है और हम सबको सहयोग देना चाहिए इसमें। मैं बड़गांव क्लस्टर के अंतर्गत काम करती हूं और हमारे संकुल संगठन उन्नति महिला संकुल संगठन के माध्यम से हमारे पास 30 से 40 50 महिलाएं हैं जो समूह के माध्यम से राखियां बना रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आपको राखी देखने को मिलेगी, जिसमें हमने अभी राम जी का मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें उनकी छवि आपको मिलेगी। डोरीमोन है, छोटे छोटे बच्चों का है, बड़ों का है, हर प्रकार की हमारी समूह के महिलाओं के माध्यम से बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ राखियां हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूं कि हमारे हाथ का बनाया हुआ राखी ही खरीदे, अपने भाइयों को बांधे, जिससे हमारे महिलाओं को आजीविका का स्तर मिले। सभी को धन्यवाद। जिले में बाजार से बहुत सारी राखियां आई हुई हैं, लेकिन आप लोगों की जो स्वनिर्मित राखी है वो उसकी क्या विशेषता है और किस प्रकार से यहाँ पर राखी बेचने की आप लोगों की योजना है, बताएंगे? सबसे पहली विशेषता तो हमारी राखी की यही है कि ये हस्तनिर्मित राखियां हैं और स्पेशली ये हमारे गांव की दीदियां जो हैं वो बना रही हैं। हमारी ब्लॉक में उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन है, उन संगठन में हमारे 250-300 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को एक रोज़गार का भी माध्यम मिल गया है, उसके माध्यम से वो राखियां बना रही हैं। हमारे पास बहुत सारी थीम की अलग अलग प्रकार की 30 से 40 प्रकार की राखियां हैं जो समूह की दीदियां बना रही हैं।